हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर एक ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसमें कि हम यहाँ पर स्मॉल टर्म, मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत करके थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर SIP करना स्टार्ट कर दिया और इसके पीछे का रीजन आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ये वीडियो हम स्टार्ट करने ही वाले हैं, पर उसके पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसी वजह से डायरेक्टली कोई भी स्टॉक बाय या फिर सेल मत कीजिए। आप ये वीडियो एज अ रेफरेंस करके ले सकते हैं और आपकी एनालिसिस स्टडी कर सकते हैं। अगर आपकी एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मैच होती है तो 100% आप वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस स्टॉक का नाम है अमर राजा बैटरीज। और जब भी हम यहाँ पर बात इन्वेस्टमेंट की करते हैं, इन्वेस्टिंग की करते हैं, तब हमें देखना चाहिए कि वो स्टॉक, वो कंपनी का फ्यूचर प्लान्स क्या है या फिर फ्यूचर स्कोप क्या है उस वाले कंपनी को, उस वाले सेक्टर को। अगर हम यहाँ पर बात करें अमर राजा बैटरीज की, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स में नहीं जाना चाहता। मैं ये वीडियो एक बेसिक रखना चाहता हूँ जो कि सभी को समझ में आए। अगर आपको इसका एक डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो चाहिए होगा जिसमें मैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट, बैलेंस शीट वगैरह वो सब चेक कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक स्पेसिफिकली एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमर राजा बैटरीज कौन सी कंपनी है, वो क्या करती है, इतना सिंपल सा देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमर राजा बैटरीज लिमिटेड इज द टेक्नोलॉजी लीडर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लीड एसिड बैटरीज फॉर बोथ इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशन इन द इंडियन स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इंडियन स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्रीज का वो एक लीडिंग कंपनी है और यहाँ पर वो लीड एसिड बैटरीज प्रोवाइड करती है ऑटोमोटिव और यहाँ पर इंडस्ट्रीज को। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये तो आने वाला जो पीरियड है वो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो इसी वजह से इस वाले जो ये वाला जो सेक्टर है, कंपनी जो काम कर रही है, इसको यहाँ पर आगे जाकर बहुत ही अच्छा स्कोप है। इसी वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आगे जाकर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इन डिटेल में अगर आपको फंडामेंटल्स इसके चाहिए होंगे तो मैं इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाना दूंगा। तो यहाँ पर हमें एक मतलब कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये कंपनी आगे जाकर बहुत ही अच्छा काम कर सकती है, अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि ये अभी जो है वो लीड एसिड बैटरीज में काम कर रही है। और अगर आपको पता होगा कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ही अच्छे तरह से काम चल रहा है और आगे जाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा लॉन्च होगी और बहुत ज्यादा चलेगी भी, तो उसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इस वाले कंपनी को फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये स्टॉक मेरे हिसाब से मुझे बहुत ही सही लगा। अभी यहाँ पर से सीधा आते हैं हमारे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कि अगर एक कंपनी हमें अच्छी लग रही है इन्वेस्टिंग के लिए तो डायरेक्टली हम उसके जाकर शेयर्स खरीद नहीं सकते, वो शेयर्स हमें एक डिस्काउंट प्राइस पे मिलने चाहिए। अगर वो डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा मतलब आगे जाकर अगर वो स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये वाला जो स्टॉक है, अभी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो स्टॉक है अभी अपने डिस्काउंट प्राइस पे आ चुका है। अभी इसकी टेक्निकल एनालिसिस आपको यहाँ पर मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी ये वीकली चार्ट लगा है और वीकली चार्ट में ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीकली चार्ट हम इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं और इसने अपनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मूव करना चालू कर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी रैली लगी, रैली के बाद में यहाँ पर एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट आया। अब ये रिट्रेसमेंट होगा ही, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर से दे लेके यहाँ तक एक बहुत ही अच्छी रैली लगी थी। तो कभी भी स्टॉक मूव करेगा तो वो एक लाइन में इस तरीके से नहीं मूव करेगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जब गिर रहा था तब गिरा एक अच्छे से रिट्रेसमेंट, फिर से गिरा रिट्रेसमेंट, फिर से गिरा रिट्रेसमेंट और एक बार गिरा। तो सिमिलरली जब भी ये यहाँ पर अप साइड में मूवमेंट करेगा एक अच्छा सा इम्पल्स मूव रिट्रेसमेंट और यहाँ पर से एक अच्छा सा इम्पल्स मूव देखने को मिल सकता है। सिर्फ हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। एक तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने को आ रहा है। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये यहाँ पर लगा दिए, तो प्राइस यहाँ पर 0.5 के रेशो पे सपोर्ट दे रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेट करके एक अच्छा सा मूवमेंट दिखा रहा है। और लास्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ, एक बुलिश वॉल्यूम ट्रेड हुआ। ठीक है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर से लगता है मुझे
मैं यहाँ पर से पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके SIP कर रहा हूँ, पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट पे ये स्टॉक आ चुका है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के इसका ब्रेकआउट कर दिया है और आप यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिविटी भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। अभी सिर्फ इसको रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे ये 200 पीरियड के EMA का। अगर ये वाला जो EMA है यहाँ पर से ब्रेक हो जाता है तो फर्दर रैली हमें यहाँ पर से दिखाई दे सकती है, पर मैं यहाँ पर SIP करना ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ, जब भी हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तब यहाँ पर रिस्क आता है, ठीक है ना। हमें रिस्क लेना पड़ता है, यहाँ पर से स्टॉक नीचे भी जा सकता है ये मानना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पर मेरे स्टॉप लॉस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो स्टॉप लॉसेस रखे हैं। एक हो बहुत ही टाइट है पर मैं ये वाला प्रेफर करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टॉप लॉस जो है वो 650 का है। अगर 650 पे प्राइस आता है, इसके नीचे कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मुझे मिलता है, तो मैं जो भी मेरे पास शेयर्स होंगे वो सारे बेच दूंगा, क्योंकि यहाँ पर से ये स्टॉक और भी नीचे गिर सकता है और यहाँ तक ही मेरी रिस्क में यहाँ पर यहाँ तक ले सकता हूँ, उससे आगे मैं रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है ना। बाद में अगर और भी नीचे जाकर कोई रिवर्सल पैटर्न देखता है तो फिर मैं वहां पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पर इस वाले ट्रेड में मैं यहीं पर से एग्जिट होना चाहूंगा। और एक यहाँ पर स्टॉप लॉस बताना चाहूंगा जो कि है 600 रुपीज का। अगर 600 रुपीज पे आता है तो मैं निकाल दूंगा, पर मैं प्रेफर ये 600 रुपीज का कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहा हूँ और छोटा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बात होने नहीं वाली है। और अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो हो सकते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे के लेवल्स भी देख सकता है। इसी वजह से स्टॉप लॉस मस्ट है, स्टॉप लॉस के विदाउट स्टॉप लॉस हम कभी भी स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते सक्सेसफुली। तो इसी वजह से ये मेरे स्टॉप लॉस रहेगा और ये मेरे व्यूज है अमर राजा बैटरीज के ऊपर। मैंने फंडामेंटल्स क्लियरली नहीं बताया क्योंकि ये वीडियो को मैं सिंपल रखना चाहता था। अगर आपको फंडामेंटल्स पे भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना दूंगा, मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, होप है कि आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।